दुर्ग नगर निगम अंतर्गत सुराना कॉलेज के सामने स्थित कचरा संग्रहण केंद्र में भारी अवस्था का आलम है। केंद्र के बाहर अव्यवस्थित रूप से कचरा बिखरा पड़ा हुआ है। आवारा पशुओं का जमावड़ा भी यहां पर लगातार लगा रहता है। आसपास के क्षेत्रों में बेहद गंदगी और बदबू फैली हुई है। इसकी शिकायत कई बार नगर निगम दुर्ग के पदाधिकारियों को आसपास के व्यापारियों द्वारा की जा चुकी है, परंतु किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई। निगम प्रशासन द्वारा आम जनता पर कचरा फैलाने को लेकर समय समय पर जुर्माना लगाया भी जाता है, लेकिन संग्रहण केंद्र पर निगम ध्यान नहीं दे रहा है, जिससे आसपास के क्षेत्र रहवासी काफी आक्रोशित देखे जा रहे हैं। स्थानीय नागरिकों ने अपनी प्रतिक्रिया इस प्रकार से दी है। मूलभूत कमी के रूप में हम सबसे पहले तो यहाँ के जो कचरा डंप हो रहा है उसके बारे में बोलेंगे। स्थानीय नागरिक हूँ मैं, केलाबाड़ी का निवासी हूँ। यहाँ से जब भी गुजरता हूँ बहुत बुरी बुरी बदबू आती है, और ये जो जगह है ये ऑक्सीजन जोन के नाम से जाना जाता है। हर रोज यहाँ पे हजारों लोग सवेरे भ्रमण के लिए जाते हैं, और सवेरे आदमी अपने स्वास्थ्य को देखता है, और यहाँ के जो प्रशासन है इसकी ओर ध्यान नहीं दे रहा है। क्योंकि यहाँ पे डंप कचरा जो है शरीर को बहुत तकलीफ दे रहा है, और सवेरे उठ के यहाँ घूमना उचित नहीं है। किस प्रकार की मांगे ये हैं कि ये इतना बड़ा जो कचरा डंप है इसको शहर के कोना में ले जाया जाए और यहाँ स्वच्छ वातावरण बनाया जाए। आदमी सवेरे अपने स्वास्थ्य के लिए आता है या बदबू सूंघ रहा है, तो शासन के अधिकारी जितने भी हैं उनको ये समझ नहीं आता है कि भाई क्या किया जाए। इतने पढ़े लिखे इंसान हैं और इनको ये बीच शहर के बीच में ये कचरा डंप कर रहे हैं। अपने घर के सामने कोई करता है क्या? शहर के बीच में ऑक्सीजन जोन बना के रखे, इतना अच्छा स्वच्छ हमारा स्वच्छ दुर्ग स्वच्छ छत्तीसगढ़ का नारा देते हैं, और इस तरह से ध्यान क्यों नहीं जाता प्रशासन की ओर? प्रशासन को चाहिए कि इसको तुरंत हटाए, कोना में करे। एक तो ये शहर का हृदय स्थल है, और यहाँ जीरो वेस्ट रखना ये तो सर्वथा न्यायचित नहीं है, और इसके खिलाफ हमने विभिन्न समस्याओं को लेकर हमने 2512 अवगत कराया प्रशासन को, लेकिन प्रशासन का ध्यान आज तक इस विषय में मतलब जीरो रहा। परिणाम बिल्कुल शून्य रहा। यहाँ तो हम दिन भर यहाँ दुकानदारी करते हैं, अगर हवा इस अपोजिट तरफ से आती है तो यहाँ कम से कम बैठे बैठे हमारा दम घुट जाता है। दिन भर इतनी बदबू आती है कि सांस लेना मुश्किल हो जाता है, और इस संबंध में हमने शासन प्रशासन को कई बार अवगत कराया है कि यहाँ पर स्कूल मैनेजमेंट है, कॉलेज मैनेजमेंट है, बच्चे आते हैं, और एक तो नगर चौपाटी है जहाँ पर सौंदर्यीकरण के नाम से लाखों रुपया खर्चा हुआ, करोड़ों रुपया खर्चा हुआ, लेकिन ऐसे जगह पर जीरो वेस्ट बनाना तो एक सर्वथा अनुचित वाली बात होगी। और दूसरा ये कि यहाँ अब धीरे धीरे ये जो जीरो वेस्ट है, अंदर डंप करते थे कचरा, वो पूरे बाहर दरवाजे तक का डंप करने लगे हैं। दोनों पार्टी ने स्थानीय सरकार में शासन किया, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में इसका निर्माण हुआ, उस टाइम भी विरोध दर्ज हुआ, और अभी कांग्रेस शासन काल में भी स्थानीय कांग्रेस की सरकार है, इसमें भी हमने विरोध दर्ज किया है, लेकिन अभी तक इसमें किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं है। छत्तीसगढ़ हमारा ये सुझाव है, हम लगातार मांग करते आ रहे हैं, मांग तो पूरी नहीं हो रही है, लेकिन छत्तीसगढ़ शासन में भूपेश सरकार का खेल स्ट्रक्चर डेवलप करने का जो अभी प्रोग्राम चलाया है, स्टेडियम के चारों तरफ इतने मैदान हैं जिसमें वॉलीबॉल बैडमिंटन सारे कोर्ट बनाए जा सकते हैं। अगर इस पर परिवहन किया जाए तो निश्चित रूप से यह स्थल एक घूमने लायक और एक इस प्रातःकालीन भ्रमण के लायक हो जाएगा, और काफ़ी अच्छा सुझाव है। शासन इस पर ध्यान दे, स्टेडियम के चारों तरफ से गाड़ियां खड़े रहती हैं वो सारी हट जाएगी, छोटे छोटे कोर्ट बैडमिंटन कोर्ट वॉलीबॉल कोर्ट बास्केटबॉल कोर्ट बन जाएंगे, और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की तरह ये फिर से अपनी जीता जागता उदाहरण पेश करेगा दुर्ग शहर में। धन्यवाद।